मैंने पहले भी कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाउस टैक्स नहीं भरना चाहिए, लेकिन मेरा उसी महानगर पालिका से सवाल है कि अगर हाउस टैक्स हम भरे भी तो क्यों? आपने क्या फैसिलिटी दी है? क्या आपके रास्ते बराबर है? क्या आपकी गटरें बराबर है? क्या आपकी स्ट्रीट लाइट बराबर है? हाउस टैक्स का मतलब क्या है? एक तरफ सुविधा के नाम पर वसई विरार महानगर पालिका बिल्कुल फिसड्डी है, तो दूसरी तरफ वसूली में यह तरीका, शर्म आनी चाहिए वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में हो रही कार्यवाही का। अब इसे कार्यवाही कहें या प्रशासन की गुंडाई कहे, दरअसल ये कार्यवाही अनाधिकृत बांध काम पर नहीं हो रही है। यह कार्यवाही हो रही है जूने बांध काम जिनको घरपट्टी अलॉट किया जा चुका है, जिनका हाउस टैक्स लोगों ने अभी हाल ही के सालों का भरा नहीं है, उनके ऊपर। नियमानुसार वसई विरार महानगर पालिका अगर अपना बकाया हाउस टैक्स वसूल करना चाहती है तो उनको घरों की जब्ती करनी चाहिए थी, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका ने जाकर सीधा बुलडोजर चला दिया। इसके बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग हैं वो संतप्त है। जिन लोगों ने घरपट्टी टैक्स नहीं भरा है, उन लोगों का ये कहना है कि उनकी परेशानियां हैं, हालात बराबर नहीं है। पिछले दो साल कोरोना का माहौल था और उसके लिए घरपट्टी टैक्स जो है वो बकाया रह गया, लेकिन अब क्या पर्याय है? अगर वो घरपट्टी टैक्स अपना महानगर पालिका को चुकाना भी चाहे तो घरपट्टी टैक्स भरने के बाद में उनका अपना घर जैसा था वैसा हो पाएगा? वसई विरार महानगर पालिका ने ऐसे लोगों को घर तोड़ दिए जिन्होंने घरपट्टी नहीं भरे, ये अपनी जगह है। मैं खुद ये नहीं कहना चाहता हूं कि लोगों को टैक्स नहीं भरना चाहिए, टैक्स लोगों को भरना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है तो उनसे टैक्स वसूली का ये रास्ता वो कतई सही नहीं है, बुलडोजर चलाना कतई सही नहीं है। इस मामले में भाजपा के उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने भी सवाल उठाए हैं, उन्होंने महानगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखते हुए इस कार्यवाही को गलत बताया। महानगर पालिका घरों को जब्त करके लोगों से पैसा वसूल सकती थी, लेकिन महानगर पालिका ने उन घरों को तोड़ा है। एक तरफ वसई विरार महानगर पालिका में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में अनाधिकृत बांधकाम हो रहे हैं। खुद प्रभाग ब में अनाधिकृत बांधकाम काफी है, उसके बावजूद महानगर पालिका वहां कार्यवाही नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन लोग जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं भरा है उनके ऊपर कार्यवाही की। मैंने पहले भी कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाउस टैक्स नहीं भरना चाहिए, लेकिन मेरा वसई विरार महानगर पालिका से सवाल है कि अगर हाउस टैक्स हम भरे भी तो क्यों? आपने क्या फैसिलिटी दी है? क्या आपके रास्ते बराबर है? क्या आपकी गटरें बराबर है? क्या आपकी स्ट्रीट लाइट बराबर है? हाउस टैक्स का मतलब क्या है? एक तरफ सुविधा के नाम पर वसई विरार महानगर पालिका बिल्कुल फिसड्डी है, तो दूसरी तरफ वसूली में यह तरीका, शर्म आनी चाहिए वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन को। आपको वसूली का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी गरीब का घर तोड़ने का अधिकार नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका है ऐसे ऐसे कारनामे है जहां पर वसई विरार महानगर पालिका कैविट फाइल करने के लिए, एक सर्वे नंबर पर कैविट दाखिल करने के लिए 2,64,000 से ज्यादा का खर्च कर सकती है, उन घरों पर बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन ऐसे घरों पर बुलडोजर चलाया है। तो ये पद्धति सही नहीं है और वसई विरार महानगर पालिका को कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना चाहिए। लोगों से अपील है कि अपना हाउस टैक्स जो है समय पर अदा करें, नहीं तो ये जो प्रशासन है जो अपनी मनमर्जी चलाता है, वो न जाने कब आपका क्या नुकसान कर दे।
अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।